युवा शक्ति मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष यशवंत टावरे द्वारा हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी और दही हंडी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी युवा शक्ति मित्र मंडल द्वारा जन्माष्टमी और दही हंडी का त्यौहार बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जाएगा। इस वर्ष भोजपुरी कलाकारों का भी आगमन होने वाला है, जिसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए यशवंत टावरे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारे यहाँ पे 2 साल से कोरोना की वजह से दही हंडी का उत्सव जो रोड पे होता था वो नहीं होता हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ पे पीछे गोडाउन के अंदर त्यौहार मनाए कम मात्रा में, लेकिन त्यौहार को हम लोगों ने बंद नहीं किया है। जैसे कि कल से 18 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाएगी और दही हंडी का उत्सव 19 तारीख को होएगा। इसमें हम लोगों ने सारे लोगों ने मेरे कार्यकर्ता यहाँ के जितने भी हैं मंडल के युवा शक्ति मित्र मंडल के, उन लोग 2 महीने से इसके ऊपर काम करते हैं और इसको सफल बनाने के लिए लीडर जो है वो हमारे हमेशा के जो हमारे नेताजी है, जैसे कपिल पाटिल साहब है, महेश चौगुले साहब है, बहुत सारे लोग आएंगे, तो उन लोगों को यहाँ बुलाया गया है। और हमारे यहाँ पे जो जैसे कि उत्तर भारतीय ज़्यादा है, तो यहाँ पे उत्तर भारतीयों के हिसाब से ही हम लोगों को यहाँ पे शुभी शर्मा जी आ रही है और भी 4-5 एक्ट्रेस आ रहे हैं, वो आने के बाद आपको पता ही चलेगा। शासन का जो जो है सर्कुलेशन वो इस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। बाजू में हॉस्पिटल में फ्री रखा है, अगर किसी को कुछ होता है तो एक एम्बुलेंस रखी है और बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारा जनता का जमावड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब उत्तर भारतीय कम्युनिटी का ज़्यादा होने के नाते सारे लोग उस दिन का जो उत्सव होता है उसको अपने दिल और ध्यान से मतलब मनाते हैं 24 घंटा। ऐसा शायद भिवंडी में नहीं होता है, और वो होता है खाली भंडारी कंपाउंड में, क्योंकि शाम को 6-7 बजे से जो शुरुआत होगी वो बारात को 12 बजे तक, यहाँ पर कृष्ण झांकी निकाली जाएगी, कृष्ण का जन्म होगा, ये सब चीज़ों को देखने के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ती है। मैं सारे भिवंडी वासियों को और देशवासियों को दही हंडी की ढेर सारी शुभकामना दूंगा, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे भाजपा पार्टी की तरफ से, पूरे देशवासी और भिवंडी वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हाय फ्रेंड्स, मैं शुभी शर्मा आ रही हूँ 19 अगस्त को दही हंडी के फंक्शन में भंडारी कंपाउंड भिवंडी में, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। और इसके आयोजक करता है श्री जसवंत टावरे जी, जो बहुत ही अच्छे नगर सेवक हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो मिलते हैं दही हंडी के इस आयोजन को और भी सफल बनाने के लिए 19 अगस्त को भंडारी कंपाउंड, याद रखिएगा। तो मिलते हैं सब लोग।